तो भाई अभी टाइम कुछ 5:30 हमें, 6:45 हो रहा है, 6:45 में भी हो रहा है। कसम से ठंडी बहुत है, कही 5 डिग्री या 6 डिग्री कुछ चल रहा है एमपी में अभी। कत डिग्री चलता है देखो तो? 5 डिग्री तो अभी 5 डिग्री चल रहा है इधर, और ठंडी इतनी है ना, फट गई भाई, फट गई रात। मतलब रात को, सुबह सुबह इतना ठंडी हो गई, ऊपर से टेंट के अंदर तो ठीक है, टेंट के पूरा बाहर पूरा पानी पानी हो गया। तो चलिए जल्दी इधर से ब्रेकफास्ट करते हैं और सीधा निकलते हैं हम लोगों को डेस्टिनेशन पे, आगरा के लिए निकलना है, तो ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। चलिए मिलते हैं। तो अभी अपना सामान लगभग सारा बाहर निकाल दिया हमने, अभी जल्दी से गाड़ी पे लोड करेंगे। भाई मेरा हाथ है ना, मतलब कुछ पकड़ने को नहीं हो रहा, इतना ठंडी हो गई। कुछ 5 डिग्री सेल्सियस चल रहा है अभी इधर, तो सोचो आज दिल्ली में कितना होगा, दिल्ली में तो और कम हो जाएगा। तो भैया को बोल दिया जल्दी से कुछ ब्रेकफास्ट बना रहे हैं हम लोगों के लिए, बोला जितना जल्दी जो हो सके वो बना दो, और चाय वाय बना देंगे। बस आप लोग अभी टेंट को पैक करेंगे, लोड करेंगे, सीधा जल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे और सीधा निकलेंगे। Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house and Christmas lights shine bright through the cold. तो भाई साहब अपना बाइक फुल्ली लोडेड हो गया यार, एक ही दिक्कत रहता है, बाइक अनलोड करना, लोड करना बहुत टाइम लग जाता है, करीबन आधा घंटा लग गया हमको ये पूरा लोड करते। कहा है दिखी तो नहीं रहा, कोई बात नहीं, दिख जाएगा, बाद में दिखा देंगे। तो बाइक फुल लोडेड हो गया अभी। एक्चुअली ये रेस्टोरेंट 8 बजे से चालू होता है, तो भैया को हमने कल ही बोल के रखा है, भैया बोला ठीक है आप लोगों के लिए बना देंगे। तो भैया हमारे लिए आलू पराठा बना रहे सुबह सुबह, अभी कुछ 6:30 हो रहा है, तो बनने आलू पर बन गया ऑलरेडी, अभी सिर्फ खाना है और खा के जल्दी से अपना सफ़र स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग आलू परोठा एंजॉय करते हैं, आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए। तो इधर भैया ने हमारे लिए एकदम मस्त मस्त गरम गरम आलू परोठा तव रहे, एकदम बढ़िया। भैया आलू परोठा के साथ क्या है बोलो? हाँ बढ़िया बढ़िया, दही और चाट। तो सुबह सुबह इतना जल्दी तो कभी नहीं आपने बनाया होगा, ये शायद पहला टाइम है। फर्स्ट टाइम है अभी तक इधर आने के बाद कि वो इतना जल्दी बना रहे, कि हम लोग भी जल्दी जल्दी निकल रहे। तो भैया को थोड़ा रिक्वेस्ट किया, भाई बना दो थोड़ा हमारे लिए, भैया ही बोला ठीक है बना देंगे, उसमें कौन सी बात है। तो चलिए आलू पराठा इंजॉय करते हैं। तो भाई ये हो गया अपना ब्रेकफास्ट रेडी, आलू पराठा विद दही, सुबह सुबह कट खाओ, मज़े करो भाई, पूरा दिन पेट साफ साफ क्या बोलो ठंडा रहेगा। तो इधर दीपन भी अपना आलू पराठा देखे बहुत खुश है, क्योंकि ऐसा आलू पराठा डिज़ाइन करे हुए मैंने पहली बार देखा, उसने भी पहली बार देखा। तो चलिए अपन आलू पराठा एंजॉय करते हैं, आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अभी अपन कर रहे राइड स्टार्ट। चलिए आज का राइड चालू हो गया, आज 18 दिसंबर, और आज मेरा ब्लॉग भी आ जाएगा, तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। आज से जो पहला वाला चार मीनार का जो ब्लॉग है वो आ जाएगा, और आज अपन राइड स्टार्ट कर 27,893 से स्टार्ट कर रहे, तो देखते हैं आज कितना सफर तय कर पाते हैं। आज का वैसे तो इधर से आगरा का दूरी है 641 किलोमीटर, और चलिए अल्लाह की दुआ से अपन कर लेंगे ये माइलस्टोन भी, हम कंप्लीट कर लेंगे उत्तर वालों की दुआ से। अगर कोई दिक्कत ना हुआ वही दुआ करते, कोई दिक्कत ना है आप लोग भी दुआ करना हमारे लिए, ये हमारा राइड अच्छा रहे, सेफ रहे। तो आपको जैसे दो रास्ते मिलेंगे, दोनों रोड आगरा जाता है, ये राइट वाला जबलपुर होके जाएगा, ये वाला झांसी होके जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कल ही मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि भैया लोगों ने बोला कि जबलपुर होकर मत जाओ, दूर पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले जबलपुर होकर जा रहे थे, तो बोला ये रोड से चले जाओ झांसी होके, तो हम लोग इधर से जा रहे हैं, और गूगल मैप में भी आपको यही रोड दिखाएगा, वो ऐसे फोर लेन रोड है बोले। तो ठीक है, आप उनके बात सुनकर वो लोग इधर लोकल है उनको पता होगा। तो चलिए आज का सफर स्टार्ट करते हैं, और आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए, हम खुद के तरफ से जितना एफर्ट डाल सकते हैं डालेंगे।
वो जी इधर गन्ने से क्या लगाते हैं देख सकते हो क्या? बढ़िया, गाड़ी अंदर लगा दूँ? तो अभी अपन देखते हैं गन्ने से कैसे गुड़ बनाते हैं। तो भाई अभी अपन इधर देखने जा रहे, इधर चलो रास्ते पे रुक गए थे अपन, तो इधर कैसे गन्ने से गुड़ बनाते हैं कभी नहीं देखा मैं जिंदगी में। और ये मध्य प्रदेश स्टेट है, तो मैं बहुत दूर से ही देख रहा था, मतलब ऐसे ही गन्ने गन्ने बहुत ऐसे गन्ने कैरी कर रहे हैं लोग। और इधर ये एरिया में जितने भी वो है क्या बोलते हैं रास्ते के साइड में, आपको हमारे उधर जैसे खेत रहता है भाई, इधर तो गन्नों का खेत है हर किलोमीटर, मतलब कितने किलोमीटर से मैं वही देखता आ रहा हूँ गन्नों का। तो इधर लास्ट में लेफ्ट साइड में एक जगह दिख गया जिधर गन्ना से गुड़ बनाते हैं। अभी चलिए आप लोगों को भी दिखा दे कैसे गन्ने से गुड़ बनाते हैं। Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house, and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the houses, the church choir sings along. All I wanted was ये बन रहा है गन्ने से। हाँ जी, रस निकला इधर गन्ने लगे, इधर रस आवे इधर मैली कर जा। तो रस कहाँ से आता है? इधर का है। अच्छा, उधर टंकी से उधर उधर उसको पेरते हैं, उधर पेर के वो डायरेक्ट इधर ही मतलब रस आ जाता है। बढ़िया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर पक जाता है, फिर गुड़ बन जाता है वैसा। अच्छा, ये पकने के बाद ऑटोमेटिकली गुड़ बन जाता है। तो ये कितना देर तक पकाना पड़ता है? आधा घंटा। आधा घंटे में हो जाता है? बढ़िया। तो ये आपको जो ऊपर ऊपर आ रहा है इसको निकालना पड़ता है ना? हाँ, मैली। इसको क्या बोलते हैं? मैली, मैली। इस ये अच्छा मैली है, मैली बोलते हैं, ऐसे मैल बोल देते हैं। मैल बोल देते हैं। बढ़िया जी। जैसे शरीर के ऊपर मैल हो जाए। हाँ, जैसे शरीर के ऊपर मैल हो जाए। हाँ 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 हाँ, क्लियर हो जाए, पूरा प्योर हो जाएगा ना। तो आप देख पा रहे ऊपर कैसे, मतलब ये झाग जैसा, जैसे मेल है, इसको उन लोग मेल बोलते। तो ये पूरा उठाना पड़ता है, क्योंकि ये अगर उठा लिया तो एकदम प्योर बन जाता है गुड़। उधर देख पा रहे उधर गुड़ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ गुड़ उधर है। तो इधर है भैया गुड़ पूरा, ये एकदम उधर से बन के। तो आप लोग इस पे उधर से डायरेक्ट ऐसे इस पे कंटेनर में भरते हैं और ऐसा सूख जाता है ना, इसको सुखाना पड़ता है क्या? चाक में पहले फेंक देते हैं, उधर उधर फेंकते हैं। अच्छा, इसे इधर फेंक के क्या करते हैं इसको? फिर इससे काटते हैं। अच्छा, इससे काटते हैं। बढ़िया, मिक्स करके। हाँ हाँ, ऐसे करके फार्मों में ऐसे भरते हैं। अच्छा, ऐसे भरते हैं। तो ऐसे भर के फिर इसको मतलब धूप में सुखाना पड़ता है क्या? ऑटोमेटिक सूख जाता है। ऑटोमेटिक सूख जाता है। तो ये आप लोग मतलब बेचते हैं? बेचते। तो इसका केजी हिसाब से रहता है क्या? केजी। तो केजी कितना होगा? केजी इसमें 12 किलो। 12 किलो। तो एक 12 किलो मतलब एक पकड़ लो ये ही बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे आप? हम बेचेंगे जी इसको थोक में जावे जी यहाँ से। हाँ, थोक में, मंडी में। मंडी में? तो इधर से मंडी कितना दूर है? मंडी इधर से मतलब आप लोग इधर कितना प्रोसेस है, मतलब सुबह सुबह आप लोग स्टार्ट कर देते हो? हाँ, सुबह। तो पूरा दिन करते रहते हो? 18 घंटे। 18 घंटे? तो भाई थकते नहीं हो क्या? नहीं। तो कभी खाने वाने का मन होता है क्या? खाना तो मम्मी पहुँचा देती है, उधर एक भट्टी और चल रही है ना। अच्छा अच्छा, मतलब आप लोगों का घर कहाँ पे? घर है बागपत जिला है हमारा। अच्छा, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ही है? यूपी में। यूपी में? तो आप लोग सारे उधर से ही है? हाँ, सब परिवार आते हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभी अगर ये उधर मंडी में पहुंचाते तो मंडी से आप लोगों को पैसा देते हैं? हाँ, चेक काट देते हैं। चेक काट भी मिल जाते हैं ना। तो पकड़ लीजिए एक आइडिया से ऐसा 12 किलो है ना इसके अंदर। हाँ, तो कितना जाएगा ये? हाँ,
मतलब एक 12 किलो का, मतलब अगर नॉर्मल बाजार में बेचने जाओगे तो कितना होगा आप लोग? वैसे तो हम खुला तो 30-30 रुपए किलो बेच रहे हैं। 30 रुपए किलो बेचते, मतलब 3 बार 36 360 रुपए, मतलब एक का 12 किलो। 350 की दे दे वैसे। 350 की दे दे, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या बोलते हैं, आप लोग कितने साल से इधर? हम हैं इधर 8-9 साल से। 8-9 साल से, तो थकते नहीं हो क्या? मतलब इतना उधर ठंडी पड़े ना भी कर, इसलिए काम करने के लिए आ जा, नहीं तो काम भी तो उधर भी कमी नहीं है, फिर भी इधर से इकट्ठा पैसे चले जा। अच्छा, तो ये एक ही भट्टी चलती है पूरा दिन में? नहीं, ये सब उबल जा धीरे धीरे। अच्छा, ये उबल जाएगा वो नहीं उबलेगा। अच्छा अच्छा, तो वो एकदम प्योर है? हाँ एकदम प्योर है। इसके बाद ये, तो इसमें क्या करते हैं, मतलब उधर से ये लाके इधर वो करते हैं? नहीं, तो जाता कैसे, कनेक्शन है क्या या आपको उठाना? उठा अरे बाप रे, तो उसे उठा के लास्ट में करना पड़ता है। अच्छा, तो मैल तो उतर रहा है, इसका उतारना बस थोड़ा बहुत आएगा। तो ये जो गुड़ आपने बनाया है इधर, ठीक है ना, तो ये वाला गुड़ ये है क्या? नहीं, ये भी है क्या? नहीं, वही प्योर वाला। बढ़िया, ये भी पूरा गुड़ है ना, तो इधर से निकाल के इधर लाते है ना, ऐसा खा के देख लो क्या? थोड़ा बहुत बढ़िया बनाया गुड़ भाई। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या लगता है? और सिर्फ प्योर गन्ने का रस? अच्छा, और कुछ नहीं मिक्स करना पड़ता है? इसका भी चाय बनाते हैं? बढ़िया, तो इसके कैसे चाय बनते? पका के चाय, पानी में पकाते हैं, जैसे ये है, जैसे ये पक रहा है ना, ऐसे पका के फिर उसमें गुड़ दे देते हैं, ऐसे ही हो जाता है, फिर उसमें चाय पत्ती डाल देते हैं, फिर ऊपर से दूध नीचे उतार कर। बढ़िया, तो अब देखिए भाई कैसे गुड़ का, मतलब इधर इनसे गुड़ का भी चाय भी बनता है, और इधर पूरा गुड़ का है, पूरा खदान है बोल सकते हैं गुड़ का। तो कैसे बनाते मैंने आपको दिखाया, इनका कुछ भी चीज वेस्ट नहीं जा रहा है। ये गन्ने का जो मतलब वेस्ट चीजें है, ये छिलका है, इनको वो लोग इधर सुखाते हैं, सुखा के इधर भैया देखो कैसे भट्टी में आग जलाने के लिए काम आ रहा है, मतलब कुछ भी चीजें वेस्ट नहीं जाना, सब चीजें बराबर होना है। आग दिखा देता हूँ, तो इधर आप देख सकते हो कैसे आग जल रहा है, ये एकदम। और इधर छोटे छोटे बच्चे लोग, और ये देखो एक छोटा सा नन्ना बच्चा भी हेल्प कर रहा है इधर, वो लोग भी है। और बेटा तुम बड़े होके क्या करना चाहते हो? हाँ, बड़े होके क्या करना चाहते हो? चलो, शर्मा रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ाई कर। तो भाई आप देखेंगे कैसे इधर गुड़ बनता है, बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है गुड़ बनने का। तो मैंने कभी गुड़ बनते हुए तो देखा नहीं है, और अगर देखा होगा तो ऐसे तो नहीं देखा गया। इधर हर जगह देख सकते हो आप, गन्ना लेके जा रहे राइट, लोग खेती करने का करते हैं भाई, हमारे इधर धान का खेत होता है, ये खेत होता तो खेती करने का होता है, बहुत बढ़िया ये एरिया है। तो थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे लोग भी थे, तो मैं कल 2-3 तक चिप्स लिया था, वो रह गया था, तो अच्छा हुआ चिप्स रह गया, तो बच्चे लोगों को भी दे दिया, अच्छा लगता है, बच्चे लोग भी बहुत क्यूट क्यूट बच्चे लोग है। तो चलिए फिर से अपना राइड शुरू हो गया, कहीं पे रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे। उन लोगों ने जो हमको बोला था जूस वूस हो कर, क्योंकि करंट नहीं है तो इस वजह से जूस वूस तो चला नहीं पाए, कोई बात नहीं। लेकिन आप ब्रह्मानंद सबदारा घाट है, ये सबदारा घाट है, वो बड़ी ब्रह्मानंद मंदिर देख रहा हूँ। कौन सा, वो सफेद वाला? अच्छा, छोटी मंदिर है जो, छोटी वो मंदिर देख रहा हूँ, हाँ वो वाला, छोटी ब्रह्मान। अच्छा, सद्धारा बेटा, तो उधर कैसे जाना? रोड बना है। अच्छा, उधर रोड है सामने जाके? हाँ, वो वाला रोड तक जा सकते हैं ना? नहीं, हुमल तक चले जाओगे आप। अच्छा, रोड बना है। अच्छा अच्छा अच्छा, घूम जाना। अच्छा, बैरियर लगा, हाँ ऐसे घूम जाना, पूरे रहा बेटा, आशीर्वाद रखना, बहुत दूर निकले है श्रद्धारा। अच्छा जी, बर्मान घाट ये है,
वाली घाट, छोटी वाली घाट और बर्मान घाट है, नमस्ते आते शिमला। हम लोग आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, हम लोग तो दिल्ली जाएंगे, पहले दिल्ली से शिमला जाएंगे, शिमला से हिमाचल घूमेंगे उत्तराखंड। दिल्ली से शिमला जब जाएंगे तो गूगल मैप वगैरह आप पहले भी गए हैं? गूगल मैप वगैरह काम करता है? हाँ, गूगल काम करता है, काम सिर्फ आपके गाड़ी में प्रॉब्लम कहीं मत लगाना, उधर फाइन है, प्रॉब्लम है क्या गाड़ी में? वो खोल नहीं कहाँ पे, नहीं नहीं ये वाला चलेगा, मतलब एक्स्ट्रा लगा नहीं सकते, एक्स्ट्रा लगाएंगे 1000 रुपये फाइन है। तो इधर देख पा रहे ग्वालियर का ऑटो सीएनजी का क्या सजावा हो गई। और अपन इधर एक ढाबा है, मैं भी अपन को ट्राई करना चाहिए खाना। तो ये आ गया भाई अपना डिनर, बटर रोटी और पालक पनीर। तो भाई लाइट का इशू है बहुत ज़्यादा, लेकिन खाना बढ़िया है। मैंने मंगवाया पालक पनीर और बटर रोटी जो तंदूरी है, खाना तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो आप लोग भी ये ग्वालियर से आगरा जाते हो, लेफ्ट साइड में गिरेगा ये वाला, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिए एक बार। चलिए भाई अपना डिनर तो हो गया, एकदम मक्खन जैसा खाना था, बहुत ही अच्छा था, मेरे को तो बहुत प्यारा लगा खाना। सस्ता रेट में भी है, मतलब एवरेज रेट है, चलता है अपन को। बटर रोटी वगैरह 10 रुपये में बटर रोटी है, ठीक है, और ऊपर से पालक पनीर भी मिल गया, तो चलता है, खाना बहुत अच्छा है, मेरे को तो मज़ा आया, ट्राई कीजिए आप लोग। ये है हमारे प्यारे प्यारे गोलू वोलू अंकल जी, देखिए अंकल का पेट कितना बड़ा है। तो अंकल जी आपका नाम बोल दो। सतीश। तो आपका ढाबा मैंने बोल दिया, आओ अंकल जी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा खाना, रिजनेबल प्राइस है, खाना भी बहुत अच्छा लगा। तो आप कुछ बोलना चाहो, आपका ये लोकेशन दे दो। लोकेशन मेरा है अपना ग्वालियर में, ओके, तलवार वाली हनुमान जी ट्रिपल आइटम के बगल। ओके, तो आप लोग एक बार आगरा जाते वक्त ही मिल जाता है लेफ्ट में उनका। हाँ, दो होटल है, और दूसरा कहाँ पे? दूसरा होटल है मेरा ग्राम बंधा। ओके, और मुरैना से 15 किलोमीटर आगे। ओके, तो आप लोग दोनों होटल है, आप लोग चेक कीजिए अंकल का दुकान, खाना बहुत बढ़िया है, और खाना खाइए, अंकल को प्यार दीजिए, क्योंकि अंकल लोग हमारे लिए खाना माता रात रात भर खाना इधर बनाते हैं बिना सोखे, हमारे लिए 24 घंटा खुला रहता है। नहीं, 12 बजे तक। 12 बजे दोनों? हाँ दोनों। ओके, 12 बजे तक खुला रहता है, इन जितना भी है हम लोग खाना खा के दुआ देंगे अंकल जी को। थैंक यू। चलो हाँ, जब वापस में अगर आते हो तो जरूर मिल के जाएंगे। चलो टाटा, बाय बाय। तो भाई ये देखो गाड़ी के पीछे तो मस्त कोट लिखा है ना, जले मगर दीपक की तरह। वाह भाई, बहुत बहुत गहरा मीनिंग है इसका। तो भाई जस्ट नाउ हम लोग रीच कर दिए, अभी कुछ 12 बज रहा है, हालत खराब हो गया भाई झांसी से निकल के, मतलब इतना रोड खराब था और इतना ट्रक था, कहां हम लोग झांसी 4:30-5 बजे पहुंच गए थे, और इधर आगरा आते 250 किलोमीटर आते आते इतना टाइम लग गया। तो कोई दिक्कत नहीं, और इतना ठंडी है, मैं चला ही नहीं पता, मेरा पूरा बदन मतलब ऊपर तक ठीक है, नीचे का हालत पूरा खराब हो गया, पैर पूरा सुन्न हो गया, हाथ को तो ऐसे ऐसे मैं क्लच पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाना पड़ा, हालत पूरा टायर्ड भी हो गया हम लोग ये चलाते चलाते। मेरा फेस देख के समझ पा रहे होंगे हालत कितना खराब है, और इसका तो पीछे पीछे बैठ के भी ठीक है, कोई बात नहीं, इसका पीछे आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम नहीं है। इधर भी बहुत मतलब क्या बोलो, लास्ट का 30 किलोमीटर बहुत ही टफ, लास्ट का 30 या 50 पकड़ लो, लास्ट का 50 बहुत गंदा था, एक तो ट्रक का दिक्कत, एक ये दिक्कत, वो दिक्कत, कोई नहीं। अभी ये हम लोगों को रूम मिला, कितना में मिला था ये रूम? 699 मतलब 700 में ये रूम मिला। एक्चुअली हॉस्टल लेने वाले प्लान थे, लेकिन इसलिए ये रूम लिए कि हॉस्टल भी लोगे 300-600 रुपए, तो 100 रुपए देके सेफ्टी थोड़ा अपना पास चाबी अभी रहेगा, क्योंकि हम लोग सुबह निकलने वाला ताजमहल देखेंगे जाके, तो इसलिए सोचे उधर हॉस्टल में रहेंगे तो यार ये सब सेफ्टी का थोड़ा टेंशन है, थोड़ा वो रहता है, तो इसलिए हमने रूम ले लिया ताजमहल देखने के लिए सिर्फ, क्योंकि रूम मैंडेटरी है, हम लोगों का सामान बहुत कुछ है और सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो भाई इतना ठंडी है, मैं क्या ही बोलूं, हमारा पैर पूरा जम गया ऐसा लग रहा है, मेरे को तो पैर करना नहीं आ रहा। तो अभी अपन ने चुपके से होटल में अपने साथ गैस था, जल्दी चलो देखना उल्टी ब्लास्ट ब्लास्ट ना हो जाए, वैसे भी लगा, धीरे धीरे करो, इधर पैर तलेंगे। ओ भाई साहब, भाई साहब अलग ही। तो चलो भाई
अपन पैर तलते हैं, थोड़ा आग सेकते हैं रूम के अंदर। हम आप लोग ब्लॉग एंजॉय करो और पूरा सपोर्ट बनाए रखो, और हम लोग पैर सेकते हाथ पैर ठीक करते। चलिए